Hi friends. Hi Doso, welcome to Asia Controls. Today we are going to today we are going to see the topic about water chiller controller. So a sub-zero ka nano chill controller hai. So water chiller single compressor application ke liye aapko sub parameter ke sath digital inputs, digital outputs, analog inputs वो सब मिला के वाटर लेवल इंडिकेशन, वाटर लेवल अगर पानी के अंदर टैंक के अंदर नहीं रहेंगे तो भी आपको पंप ट्रिप करने के लिए वो सब सारे पैरामीटर एक सिंगल कॉम्पैक्ट कंट्रोलर में दिया हुआ है। ये सब जीरो का नैनो चिल NC110 ये इसका जो पुराना मॉडल है NC110 है, उसके अंदर आपको ये बॉक्स टाइप नहीं आता है, वो मॉडल अपग्रेड हो गया। अभी आपको ये नैनो चिल मॉडल ये वाइट कलर का डिस्प्ले में आता है, वो दोनों को सेम लगा सकते हैं लेकिन पैनल कटआउट थोड़ा डिफर हो जाएंगे। ये किधर आपका अपना वाटर चिलर, ऑयल चिलर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर LCD डिस्प्ले आएगा, LED डिस्प्ले के बदले में LCD डिस्प्ले आएगा। आपको जो भी पैरामीटर्स फॉल्ट है वो सब कुछ वो LCD डिस्प्ले में ब्लू कलर ग्राफिकल डिस्प्ले में आ जाएगा। अब इसको वायरिंग देखेंगे ना, फेस न्यूट्रल और पंप आउटपुट, कंप्रेसर आउटपुट और रिले आउटपुट सब कुछ दिया हुआ रहेगा। और इसके बाद इसके अंदर डिजिटल इनपुट्स HP LP, एंटी फ्रीज टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, दो सेंसर दिया हुआ है, एक लिक्विड टेम्परेचर एक एंटी फ्रीज टेम्परेचर। और इसका मॉडल नंबर NC110 ये। अभी रिले 3 बोलें तो आप अलार्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंडेंसर फैन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेबल है। वो रिले 3 बोल के एक पैरामीटर रहेगा, वो आपको अलार्म आउटपुट अगर यूज़ करना है तो अलार्म आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्रेसर आउटपुट है, ये कंप्रेसर में CNO NC तीनों रहते हैं। आपको कॉन्टैक्टर का ऑयल सप्लाई देने के लिए NO से जाना पड़ेगा, NO से सप्लाई कंप्रेसर का आउटपुट जाएगा। उसके बाद पंप आउटपुट है, तो पंप आउटपुट आपको वाटर पंप के लिए आउटपुट रहेगा। और उसके बाद 230 वोल्ट सिंगल फेस इनपुट सप्लाई कंट्रोलर को देना पड़ेगा। उसके बाद दो सेंसर है, लिक्विड टाइप सेंसर है और एंटी फ्रीज टेम्परेचर सेंसर। ये लिक्विड सेंसर सबसे आपको कंप्रेसर कट इन कट ऑफ हो जाएगा, एंटी फ्रीज टेम्परेचर कभी डिफ्रॉस्टिंग टाइम पे बहुत एंटी फ्रीज के लिए अलग से सेटिंग है, तभी AFT में चला गया बहुत मेन टेम्परेचर कम हो गया तो AFT में चला जाता है, AFT में ट्रिप हो गया तो आपको मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोब फंक्शन है। और उसके बाद आपका लिक्विड लेवल का वाटर टैंक का ये देंगे लो मीडियम हाई, वो उसके लिए तीन सेंसर आएंगे आपका, वो वाटर लेवल इंडिकेशन के लिए। अगर आपका तीन मीटर का टैंक है वो तीन मीटर में ऊपर हाई लेवल कनेक्ट करना पड़ेगा, मीडियम लेवल 2 सेकेंड मीटर में कनेक्ट करना है, 1 मीटर में आपको लो लेवल का कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वो कनेक्ट करने के बाद लो लेवल के नीचे जाता है पानी, वो पंप को ट्रिप कर देंगे, पंप को चालू करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर लो लेवल में वाटर नहीं है, वाटर फ्लो नहीं है, आपको पंप चालू हो गया ना तो पंप ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ये सेफ्टी फीचर है लिक्विड लेवल सेंसिंग, वो आप इनेबल भी डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलरली पानी रहता है आपको मालूम है तो वो इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, उसके अंदर पैरामीटर है। ये तीनों अभी एक ही जगह पर है, वो मैंने अभी हाथ में रखा हूँ। ये तीनों अगर कनेक्टेड में रहेंगे ना तो वो पानी फुल हाई लेवल दिखाता है, तभी आपको कंट्रोलर ट्रिप नहीं होएगा। अगर आपको लो लेवल के नीचे जो पानी आ जाएगा तो अभी आपको पंप ट्रिप कर देगा, अगर पंप ट्रिप हो जाएगा तो कंप्रेसर चालू नहीं होएगा। पहले चिल्लर ऑन करने के बाद पंप ही चालू हो जाता है, उसके बाद कंप्रेसर चालू होएगा। अगर अभी पानी आपको वाटर चिलर में पानी नहीं है तो कंप्रेसर चालू होकर क्या फ़ायदा है। उसके बाद डिजिटल इनपुट से एक्सिलरी आप किसी को भी कुछ फॉल्ट को दे सकते हैं, HP LP न्यूट्रल। और HP LP आप इधर HP LP स्विच से आप इधर देंगे ना, वो इंडिकेशन है, स्विच लगाना पड़ेगा। ये मतलब स्विच नहीं है, ये स्विच लेके आपका इंडिकेशन होगा, उसके हिसाब से आपको कंप्रेसर को ट्रिप कर देंगे। अगर HP आ गया फॉल्ट, उधर से LP आ गया तो
इधर कंप्रेसर को ट्रिप मार देगा, तभी आपको सेफ्टी फीचर्स के लिए और HP फॉल्ट LP फॉल्ट बोले आपको कंट्रोलर में सामने दिखाया जाएगा। और एक्सिलरी फॉल्ट में आप HP LP छोड़ के SPPR यूज़ करना है, ऑयल प्रेशर स्विच यूज़ करना है, एवोपरेटर वाटर फ्लो स्विच यूज़ करना है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सिलरी में आप अज्यूम करना है क्या फॉल्ट आप दिया है बोल के आपको मालूम होना पड़ेगा। अभी चालू किया है कंट्रोलर को, अभी सब 09 और चिल NC10 बोल के आ गया, लो लिक्विड लेवल। ये क्यों मालूम है? टेम्परेचर अभी 29 डिग्री, कंप्रेसर हाफ है, क्यों? लिक्विड लेवल लो रहेंगे ना। अभी मैंने पावर ISI कनेक्ट किया है, अभी लिक्विड लेवल लो है, अलार्म ऑन बोल के मैसेज आ रहा है। अगर लिक्विड लेवल आने के कंप्रेसर पंप भी ऑफ में रहेंगे, कंप्रेसर भी ऑफ में रहेंगे आपका। लो लिक्विड लेवल का इंडिकेशन दिखा रहा है आपको, अलार्म ऑन बोल के दिखा रहा है। लिक्विड टेम्परेचर 29.5 डिग्री है, अभी चिलर सेट टेम्परेचर के लिए जाएंगे अंदर। चिलर सेट टेम्परेचर 10 डिग्री रखा है, ISI छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रोग्राम मोड में गया, PRG बोल के लिखा रहेंगे ना, उसमें प्रोग्राम मोड में जाएंगे अपन। इसको जाके मैं अभी पानी नहीं है उसके लिए, तो लिक्विड लेवल सेंसर को मैं अभी डिसेबल कर लेता हूँ। मैं बोला था ना पहले लिक्विड लेवल सेंसर का एनेबल डिसेबल कर सकते हैं बोल के। अभी चिलर सेट टेम्परेचर 10 डिग्री है, ये फर्स्ट पैरामीटर है आपका। प्रोग्राम आने के बताएंगे, ये कंप्रेसर टाइम डिले है, ये 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट के ऊपर भी रख सकते हैं, आपका मर्जी। वो कंप्रेसर सेफ्टी के लिए, डिफरेंशियल 2 डिग्री है। अभी चिलर सेट पॉइंट हमने 10 डिग्री देख लिया है, अभी डिफरेंशियल 2 डिग्री है। इसका मतलब है अभी 40 डिग्री या 50 डिग्री में कंप्रेसर को चालू करते हैं पानी, वो 10 डिग्री तक आ गया कंप्रेसर, आपका सेट टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री में बंद हो जाएगा। ये डिफरेंशियल आप कितना रखे, 2 डिग्री है, 10+2 12 में चालू हो जाएगा। और उसके बाद हाई टेम्परेचर अलार्म, आपको इतना टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमको अलार्म बजना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएंगे। तो ये हाई टेम्परेचर अलार्म, ये कट इन कट ऑफ के लिए कुछ भी नहीं है, ओनली सेट पॉइंट एंड डिफरेंशियल है कट इन कट ऑफ। सेट पॉइंट है कट ऑफ टेम्परेचर है, डिफरेंशियल है कट इन टेम्परेचर है। ये लो टेम्परेचर अलार्म, हाई टेम्परेचर आपको सिर्फ अलर्ट के लिए, इसके अंदर आप वो सेटिंग इससे इतना में चालू हो जाएगा, इतना में चलने वाला, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अलर्ट के लिए आपको हाई टेम्परेचर अलार्म 50 डिग्री है, लो टेम्परेचर अलार्म 6 डिग्री है, आप उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद AFT प्रूफ स्टेटस डिसेबल, आप अगर AFT एंटी फ्रीज टेम्परेचर सेंसर आप अगर यूज़ नहीं कर रहे तो डिसेबल कर सकते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज सेटिंग आपको चाहिए तो एनेबल कर सकते हैं। सेकेंड सेंसर, ये एंटी फ्रीज सेट टेम्परेचर 5 डिग्री है, अगर ये 5 डिग्री आएंगे ना, 10 डिग्री सेट टेम्परेचर है, एंटी फ्रीज में 5 डिग्री आ जाएंगे ना, तो AFT ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद मैनुअली रीसेट करने के बाद ही ये हो जाएंगे, ये AFT का डिफरेंशियल है। 5 डिग्री के बाद फिर से कभी चालू होने का, लेकिन AFT मैनुअल रीसेट ही रहता है, वही सेफ्टी है एंटी फ्रीज टेम्परेचर। उसके बाद लिक्विड प्रोब कैलिब्रेशन, ये कंप्रेसर का फर्स्ट प्रोब है ना, उसका एडजस्टमेंट है, ऑफसेट कैलिब्रेशन है, ये आपको -10 to +10 तक आपको कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद AFT प्रोब कैलिब्रेशन है, ये मेन पैरामीटर है। फॉल्ट सेंस लॉजिक 230 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये सिस्टम को आप क्या फॉल्ट दे रहे हैं वो मालूम नहीं पड़ेगा। ये इतना डिजिटल इनपुट्स है ना, HP LP एक्सिलरी, उसका लॉजिक है। आप एक तरफ से ऐसा 230 वोल्ट रखना है तो HP LP एक्सी को 3 को 230 वोल्ट फॉल्ट सेंसिंग रखने का, नहीं है तो 3 को 0 वोल्ट रखने का। HP को 230 वोल्ट, LP को 0 वोल्ट ऐसा रखे तो आपको फॉल्ट बराबर नहीं रहेगा। अगर 0 वोल्ट लगाया तो फॉल्ट फुल आ जाता है, ये आपको HP LP प्रेशर स्विच है तभी फॉल्ट आ रहा है, तो कितना वोल्टेज आएगा फॉल्ट आने के बाद वो आप उसके हिसाब से इधर सेंसिंग लॉजिक सेट करना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मली 230 वोल्ट आएगा इसमें HP LP से नॉर्मल टाइम पे, और कभी ट्रिप होता है तभी 0 वोल्ट हो जाए, तो 0 वोल्ट आप रखने का। उसके बाद LP सेंसिंग डिले है, ये LP सेंसिंग डिले 30 सेकेंड्स है, आपका 40 सेकेंड्स भी रख सकते हैं।
ये क्यों मालूम है? नॉर्मली कमर से सेट पॉइंट में ट्रिप होता है तो भी एलपी में जाके ट्रिप मारेगा वो नॉर्मल कट इन कट ऑफ है, तभी आपको 30 सेकेंड्स तक रुकेगा, 30 सेकेंड्स ऊपर भी आपका एलपी फॉल्ट रहेगा तभी आपका ये अलार्म इसमें बजेगा एलपी फॉल्ट बोल के। अगर नॉर्मली 5 सेकेंड 10 सेकेंड में सेट पॉइंट कंबर से सेट पॉइंट में ट्रिप हो जाए तो भी एलपी फॉल्ट आता रहता है वो, उसके लिए तो वो सेंसिंग डिले दिया है। और एचपी और एएफटी रीसेट हाई प्रेशर और एएफटी आपको रीसेट मैनुअल और ऑटो, अगर मैनुअल किया तो हाई प्रेशर फॉल्ट और एंटी फ्रीज टेम्परेचर आए तो मैनुअली आके रीसेट करने के बाद ही ट्रिप सॉल्व होगा, नहीं है तो ऑटोमेटिक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉल्ट आया कि फॉल्ट फिर से चला गया है, प्रेशर अच्छा आ गया, टेम्परेचर अच्छा हो गया तो वो ट्रिप ये हो जाता है। उसके बाद एलपी फॉल्ट रीसेट ऑटो, ये नॉर्मली ऑटो रहना चाहिए, मैनुअल क्या ज़रूरत नहीं है क्योंकि लो प्रेशर फॉल्ट कभी आके अगर फॉल्ट चला गया तो आपको फॉल्ट रीसेट हो जाते हैं। ये पहले हम लोग देखा था लिक्विड लेवल सेंसर, ये डिसेबल करना है तो नहीं उसके हिसाब से चालू नहीं हो जाएगा पंप, नॉर्मली चालू हो जाएगा। इसको एनेबल किया तो आपका वो वाल लिक्विड लेवल सेंसर लेके पंप रन लॉजिक चिल्लर में ऑलवेज ऑन रहेगा, आपका पंप रन लॉजिक ऑलवेज ऑन मतलब कंप्रेसर चालू बंद रहेगा तो भी वाटर फ्लो होना चाहिए, विद कंप्रेसर कोई यूज़ नहीं करता। अगर आपको विद कंप्रेसर चालू करना है तो भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। उसके बाद रिले थ्री लॉजिक, मैंने पहले बोला था ना अलार्म और वाटर सोलनॉइड वाल्व, आपका अलार्म आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को अलार्म नहीं चाहिए वाटर सोलनॉइड वाल्व को ऑन ऑफ करना है तो वाटर सोलनॉइड वाल्व को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिले थ्री को, उसके लिए तो उसका नाम अगर नहीं डाला है रिले थ्री बोल के डाल दिया, क्योंकि कंप्रेसर रिले वन पंप रिले टू रिले थ्री है वो रिले थ्री बोल के आपको लॉजिक कैसा करना है तो वैसा कर सकते हैं। उसके बाद कीपैड लॉक है, जो अगर कीपैड नॉर्मली सब जीरो में आता है कीपैड लॉक को एनेबल किया तो कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फैक्ट्री सेट है, अगर कुछ पैरामीटर गलत हो गया कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद सेट एग्जिट और अप एंड डाउन स्क्रॉल, सेट की दबाना पड़ेगा आपका पैरामीटर पूरा सेव हो जाएगा। अभी कंप्रेसर इन टाइम डिले है, पंप ऑन हो गया क्योंकि